हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास सिक्स। आज मैं आपके कक्षा छः की क्लास लूँगा। क्लास छः में हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ संख्या 3 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये राइटर थे बेटा, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ओके, तो इसमें देखिए, कविताएं अपने रचनाकाल के समय उपस्थित वातावरण परिस्थितियों को स्पष्ट करती है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। इनको हरिवंश राय बच्चन की ने कविताएं लिखी है, उसमें अपने अंतर मन की झलक इसमें दिखाई देती है, उसी के बारे में देखिए। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम कुछ देखते हैं बेटा। हिंदी काव्य जगत में हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद याद करिएगा, हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम श्रेष्ठ हिंदी कवियों की सूची में शोभायमान है, यानी शोभा से परिपूर्ण है। अब हालावाद में आपको थोड़ी देर बाद आगे डिस्कस कर दूंगा बेटा। उनका जन्म किसका, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था, और इनकी मृत्यु यानी स्वर्गारोहण कब हुआ था, 2003 में मुंबई, अपने ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ बच्चन की आवास पर, यानी इनके बड़े बेटे का नाम क्या है, अमिताभ बच्चन, जो आज के फिल्मी सितारे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के महान कवि थे। इन्होंने हिंदी कविता की छायावाद से निकलकर उसे नई चमक और लचक प्रदान की, यानी हिंदी में बहुत सारे लिखने की एक कलाएं हैं, तो उसी में से एक छायावाद है। तो पहले छायावाद चलता था, इन्होंने छायावाद से एक अलग हट के अपनी नई कविता लिखी। उन्होंने कविता को नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर पाठ को, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं, को रुचि को अनुकूल बनाया। उनकी कविता को पढ़कर अथवा सुनकर श्रोता यानी सुनने वाले के मुंह से अचानक ही बरबस निकल पड़ता था, मैंने पाया यह गोया वह भी मेरे दिल में है, मैंने पाया यह गोया वह भी मेरे दिल में। आज भी अगर कोई बच्चन की निम्नलिखित पंक्तियों को सुने तो यही समझेगा कि कवि मेरे दिल की बात कर रहा है। देखिए इनकी कविता क्या है बेटा। तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए, इस पार पर प्रिय तुम हो मधु है, उस पार जाने क्या होगा, यदि छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, अभिशाप मुझको बन गया है बल रहित छल रहित व्यवहार मेरा। यानी तुम गा दो मेरा गाना जो कि अमर हो जाए, इस पार प्रिय तुम हो और बहुत मधु यानी बहुत मीठा है, उस पार जाने भी क्या होगा, यानी अभी जो कर लो पता नहीं जीवन में आगे क्या होगा, यदि छिपाना मैं जानता तो जग मुझे साधु कहता, और अभिशाप मुझको बन गया है यानी मुझे श्राप लग गया है, दोष लग गया छल रहित व्यवहार मेरा, मेरा व्यवहार छल रहित है, यह मेरा अभिशाप हो गया है कि मैं किसी के साथ छल नहीं कर सकता। तो उपर्युक्त पंक्तियों में व्यक्तिका की गहरी छाप है, यानी उनकी व्यक्तिगत गहरी छाप है ना, कि वो कैसे थे, यानी छल रहित थे, वो किस तरीके से सोचते थे, परंतु ये लोकमान्य का स्पर्श करने के कारण लोकग्राह्य बन जाती है। बच्चन जी की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति मधुशाला है, यानी इनकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी लोकप्रिय काव्य कृति क्या है, मधुशाला। ठीक है, देखते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ में देखते हैं बेटा, इस काव्य कृति का प्रकाशन, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था, 1935 में। इस अकेली काव्य कृति ने उन्हें इतना लोकप्रिय प्रदान कर दिया, यानी लोकप्रिय बना दिया कि वो पाठकों के हृदय में बसने लगे। कविता प्रेमी उनकी कविताओं में आनंद एवं हर्ष की खोज में डूब जाते थे। उनकी मधुशाला नामक काव्य कृति ने हालावाद की स्थापना में विशेष योगदान दिया। देखिए, उनकी मधुशाला से ही किसकी स्थापना में कौन सा नया वर्ड आया, हालावाद, यानी हालावाद की स्थापना विशेष। मधुशाला में यौवन का आवेग यानी नवयुवकों के लिए यौवन का आयोग था ही था, साथ ही दार्शनिक चिंतन का भी भरपूर मात्रा में समावेश था। कवि ने गिने चुने प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावधारा को व्यक्त किया है। उनकी यह भावधारा पलायनवादी न होकर जीवन को जीने की पक्षधर थी। उनकी मधुशाला नामक इस काव्य कृति का अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से लंदन में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके अंग्रेजी रूपांतरण देखिए, इनकी जो मधुशाला थी, मधुशाला नामक इस काव्य कृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसके नाम से हुआ, हाउस ऑफ वाइन के नाम से लंदन में हुआ था प्रकाशित। इसका रूपांतरण मार्जरी बोल्टन और रामस्वरूप व्यास थे।
और उनकी काव्य कृति का रूपांतरण अंग्रेजी के पाठकों में भी लोकप्रिय हुआ। यानी मार्जरी बोल्टन और रामचरण व्यास ने मधुशाला को हाउस ऑफ वाइन में कन्वर्ट किया था, ठीक है, इंग्लिश में लोग उन्हें, यानी लिखा था अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लोग उन्हें व्यापक खिन्नता और अवसाद के युग में मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी प्रदान करने वाला कवि मानते थे। तो हालावाद का मतलब क्या होगा बेटा, कि छायावाद से निकलकर नव चेतना से स्फूर्ति प्रदान करने वाली एक कृति, काव्य कृति, और इसको अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा। विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी प्रदान करने वाला कवि मानते, उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनकी भाषा शैली काव्य रसिकों के लिए अमूल्य उपहार साबित हुई। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ साथ सीधी सादी भाषा भी लिखा। इसमें इनकी शैली में क्या थे, कल्पनाशीलता था। सामान्य बिंबों को सजाकर अपने गीत हिंदी जगतों को भेंट किया, यानी इनकी शैली कैसी थी, कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों में सजाया था इन्होंने। और इनकी भाषा काव्य रसिक जैसी थी, काव्य रस सीधी सादी इनकी भाषा थी, ओके। तो इनको हिंदी जगत ने सोत्साह सिरोधार किया, यानी अच्छे से इनको उच्च स्थान प्रदान किया। अनुभूतिमूलक सत्यता द्वारा प्रेरित काव्य ने बच्चन को उस पद का अधिकारी बना दिया जहाँ अमर जन से बात करते हैं, यानी ये अमर हो गए अपने मधुशाला से। अपने युवा काल देखिए अपने युवा काल के आदर्शों स्वप्नों के भग्नावशेषों के मध्य से गुजरते हुए बच्चन पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। देखिए ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी आ गए बेटा, ये सब छोड़ के उन्होंने उस समय जो देशभक्ति की गाना कविताएं लिखी थी इन्होंने, उनकी और बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। उन्होंने इस कविताओं के माध्यम से वीरों और देशभक्तों को अतीत से प्रेरणा लेकर उथल पुथल मचा देने में सहयोग किया। यानी ये देशभक्ति की कविताएं भी लिखे हैं। आंदोलनों से छुट्टी पाकर बच्चन को एक विद्यालय में नौकरी करनी पड़ी। देखिए जब आंदोलन से निकले तो इन्होंने एक विद्यालय में नौकरी की। उस समय उनकी पत्नी एक असाध्य रोग यानी गंभीर पीड़ा से पीड़ित थी, रोग से बच्चन अभावग्रस्त थे। उस समय वह असाध्य रोग के आतंक से ग्रस्त और व्यथित थे, पलतव अंतर्मुखी हो गए। उन्होंने अपने इसी मूड और इस युग में जिन कविताओं की रचना की वो उनके निशा निमंत्रण 1938 में आई थी। निशा निमंत्रण एकांत संगीत नामक काव्य ग्रंथों में सम्मिलित है। यह संभवतः बच्चन जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। तो इनकी बच्चन जी की ये सर्वोत्कृष्ट रचनाएं भी हैं बेटा, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो आइए आगे देखते हैं। इसके उपरांत इनको विश्वविद्यालय इलाहाबाद में नौकरी मिली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी भी किए हैं ये। और इनका व्यक्तिगत जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में सुधार आया था। जीवन के अंधकार से इन्होंने राहत महसूस की, यानी अपनी पत्नी के वियोग से। इस तरह फिर इन्होंने अपने नए काव्य नीड का निर्माण फिर की रचना की। यानी फिर से जब ये अपने पत्नी के वियोग से बाहर आए तो इन्होंने एक नया काव्य की रचना की थी, नीड का निर्माण फिर। तो इससे उस समय उनके अंदर कवि ने मन को समझाते हुए, यानी उनके अंदर जो कवि था उन्होंने मन को समझाते हुए कहा कि जो बसे हैं वे उजड़ते हैं, यानी जो आए हैं वे जरूर जाएंगे। प्रकृति के जड़ नियम से हैं, परंतु किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कम मना है, उन्होंने यह सोचा। यही वह युग था जब तेजी बच्चन से विवाह के बाद यानी इनका उनकी शादी किससे हुई थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तेजी बच्चन से विवाह के बाद बच्चन ने सुख और संपदा के जीवन में प्रवेश किया। सन 1945 में उनकी सतरंगिनी तथा 1950 में मिलन यामिनी नामक काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। यानी 1945 में इनकी कृतियाँ आई थी सतरंगिनी एवं 1950 में मिलन यामिनी। ये बच्चन के उल्लास भरे युग की सुंदर गीतोपलब्धियाँ, यानी इनकी अच्छी सुंदर गीत हैं ये। इन रचनाओं के संदर्भ में समालोचक एक स्वर से स्वीकार करते हैं, यानी जो इनके आलोचक भी हैं वे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत वेदना का इतना सहज और सफल साधारणीकरण अत्यंत दुर्लभ है, यानी बहुत अच्छी बुक है। कहने का मतलब ये मतलब था बच्चन एकांत आत्म केंद्रित कवि हैं, यानी अलग रहने वाले और अपने आप में केंद्रित करने वाले कवि हैं। इसी कारण जो रचनाएं सहज स्फूर्ति नहीं है वे नीरस और बहुत कुछ काव्यत्व रहित हो गई हैं। बंगाल में अकाल और महात्मा गांधी की हत्या पर लिखी कविताएं तथा उत्तरकाल में लिखी कविताएं इसके उदाहरण हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा। बच्चन का शिल्प वृक्ष अपेक्षाकृत दुर्बल है।
कैसे? शिल्प पक्ष क्या होता है, क्यों दुर्बल है? इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। प्रयोग प्राय उर्दू कवियों की तरह की बहरों में तरह तरह की जमीन पर नज्म कहने की चेष्टाओं के समान है और काव्य की दृष्टि से कम महत्व रखती है। कविता के अतिरिक्त बच्चन जी ने कुछ निबंध भी लिखे हैं, समीक्षात्मक निबंध यानी कविता लिखे हैं, इनके साथ साथ इन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध में यह उनके गंभीर अध्ययन में सुलझे हुए विचारों को उजागर करते हैं। बच्चन जी ने शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर एक राइटर हैं अंग्रेजी के, तो उनके नाटक मैकबेथ का भी अनुवाद किया है, इनके नाटक का, शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ यानी मैकबेथ का भी इन्होंने अनुवाद किया। भगवद गीता को लक्ष्य करके दोहा चौपाइयों में जन गीता की रचना भी की थी। काव्य की दृष्टि से ये किस कोटि की रचना है, इसका निर्माण तो स्वयं पाठकों पर निर्माण यानी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बच्चन ने कहानी लेखन की ओर भी विशेष रुचि दिखाई। बच्चन जी ने अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की थी। अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति को ही काव्यात्मक अनुभूति देना उन्होंने अपना ध्येय बनाया और उसमें वे पूर्ण सफल हुए। हिंदी कवि सम्मेलन की परंपरा को सुदृढ़ और जनप्रिय बनाने में बच्चन जी का योगदान असाधारण है। इस माध्यम से वे अपने पाठकों एवं श्रोताओं के विशेष निकट पहुँच सके हैं। बच्चन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे विकल, विश्वपट, हलाहल, प्रणय पत्रिका, मिलनयामिनी, नाथधर, आरती और अंगारे, इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो बेटा बच्चन जी की आज ये इस पाठ का कंप्लीट होता है, तो इस अच्छे से इसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।